अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। वैसे तो इस वजीफ़े को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, और इस वजीफ़े का करने का मकसद ये है कि कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बीमारी ख़त्म करके आपको तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। और इस वजीफ़े को आपने ख़ास तौर पर जो बताया गया है वो है रमज़ान के तीसरे जुमे वाले दिन। जैसे कि कल तीसरा जुमा है रमज़ान का, तो उसमें ख़ास तौर पर आपने ये अमल करना है। आप जुमे वाले दिन किसी भी टाइम ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको करने से बड़ी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपने 11 मर्तबा पहले दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और फिर आपने 21 मर्तबा सूरतुल अलनशरा पढ़नी है, और फिर सूरतुल कदर पढ़नी है 21-21 मर्तबा, और फिर आखिर में आपने 11 मर्तबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। मतलब कि आखिर में और शुरू में 11-11 मर्तबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और 21-21 मर्तबा सूरतुल अलनशरा और सूरतुल कदर पढ़नी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बीमारी भी ख़त्म कर देगा। जब भी आपने कोई अमल करना है तो आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए वो अमल करना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पे हमारा ख़ात्मा हो। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।